कि आबकारी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल के समीप अवैध अंग्रेजी शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही कर एक 10 ट्रक का ट्रक में गुजरात ले जाई जा रही पंजाब निर्मित 53 लाख रुपए की 5,481 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान प्राप्त अभिसूचना पर आबकारी टीम द्वारा गुरुवार देर रात्रि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट शीतल के पास से टीम द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें शराब तस्कर गुरदीप निवासी अमृतसर पंजाब को 10 चौक का ट्रक में फर्जी बिलबिलिटी से पंजाब निर्मित अवैध MCD ओल्सीजियन रॉयल चैलेंज सहित अन्य अंग्रेजी शराब करीब 5,481 लीटर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए है। साथ ही करीब 15 लाख कीमत का 10 चौक का ट्रक भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी। जी सर, बताएं आज किस तरह की कार्रवाई आबकारी के द्वारा की गई और क्या है? हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनके निर्देशन और उनके बिल्कुल क्लियर कट जिसको कहते हैं अपन निगरानी में, और नागौर के अधिकारी हैं उनके उनके भी मतलब इन्फॉर्मेशन के, उसमें हमारे AC साहब और EO साहब के कांस्टेंट मार्गदर्शन में ये जो अपना ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उस पे अपना जो शीतल जो जगह है वहाँ पे एक्चुअल में ये पकड़ में आया है, और ये पंजाब मार्का की दारू लेकर के यहाँ से पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात जा रहा था, और इसमें जो ड्राइवर और जो परिचालक है जो कि मतलब कैरी कर रहा था वो गुरदीप सिंह है जो कि अमृतसर का रहने वाला है। 609 पेटियां बरामद हुई हैं जिसमें कि सारी अंग्रेजी दारू है, और इसका वैल्यू करीबन 5,481 बल्क लीटर के हिसाब से जो है वो करीबन 55 लाख रुपए की दारू है। व्हीकल का कॉस्ट करीबन 15 लाख रुपए है। ये जो मार्ग है वो अभी फिलहाल चूँकि एक्सप्रेसवे है, कोई नाके वगैरह थोड़े कम हैं या फिर मतलब नॉन एग्जिस्टेंट हैं, इसकी वजह से जो है ये मार्ग थोड़ा सा भी ज़्यादा बना हुआ है। हमने ये जो अलग जो मेरे जैसे शाहजहाँपुर बहरोड कोटपूतली और गोनेडा यहाँ पे मेरी चेक पोस्ट होने की वजह से, आबकारी के चेक पोस्ट होने की वजह से इन रोड के ऊपर जो है वो अभी कम है या बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी वजह से अपना रूट शिफ्ट करके जो है ये दिल्ली मुंबई की तरफ एक्सप्रेस वे जो है उसकी तरफ से जा रहे हैं, और ये हमने वहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी एक गिरफ्तार है इसमें गुरदीप सिंह, और आगे जल्द ही जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, और जो भी आगे है आपको सूचित किया जाएगा। सर, मालूम चला कि मतलब कहां से इन्होंने शराब परचेज या कहां से शराब ली और कहां डिलीवर किया? अभी तक तो ये ऐसा कह रहा है कि सर मेरे को कोई जो से मतलब आकर के ट्रक की चाबी दे देता है, और न तो मेरे को पता। एक और बेस्ट बात आपको बताऊं, ये जो बिल आते हैं ना उसके बिल में उन्होंने पता क्या लिख रखा है, 21 तारीख से तो ये बिल का डेट बता रखा है, और उस बिल में ये इन्होंने एक तो कोई इंडस्ट्रियल वेल्डिंग की और एक ये अपने स्पीकर्स इस तरीके का बिल बना रखा है। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अगर नाका पे अगर चेक कर रहा है तो वो अगर बिल को देख करके छोड़ दे, और अगर मान लो उसको पीछे से नहीं चेक करे तो इसका मतलब वो तो आराम से पास थ्रू हो जाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी मतलब इनका सेटअप है जो कि एक क्या मतलब इसको हमें और आगे से ध्यान रखने की जरूरत है। केवल कैरियर के रूप में काम कर रहा है? हाँ, अभी इसके हिसाब से ये है कि भाई ये कैरियर के रूप में काम कर रहा है, और लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो के इसका मोबाइल वगैरह का सब कुछ खंगाला जाएगा तब जा करके इसकी पूरा पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है।